हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइन पुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, ब्लाउज की चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्महोल की लंबाई 5.5 है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग करूँगी। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बिल्कुल बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। आप गले की देखिए लेंथ लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ दे सकते हैं। मैं देखिए 11 इंच ले रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में 11 इंच पे एक मार्क करके देखिए बराबर मार्किंग करके राउंड ने मटके गले में पूरा मार्किंग कर दिया है गले की। अब जैसे मटके में मार्क किया था देखिए कटिंग कर दिए हैं गले की। अब इसके साथ में मेन फैब्रिक ब्लाउज का ले लेते हैं और ब्लाउज़ के फैब्रिक पे भी सेम गला कट करेंगे जैसे अस्तर का किया है। ये गले कटिंग हो चुकी है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में रख दीजिएगा। तो अच्छे से दोनों कपड़ों को बराबर मैंने रख लिया है, पिन कर दिया। इससे बराबर आएगा गला और देखिए स्टिच करें अस्तर कपड़े को मिलाते हुए। तो गला बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली स्टिच हो चुका है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो मटका शेप में गला बिल्कुल बराबर में आएगा। तो मैंने कट लगा दिया है, देख लीजिए। इसको पलट कर ये सीधा कर दिया। सीधा होने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगा के इसके फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। इससे परफेक्ट गला आ जाएगा। देखिए मटका गला बिल्कुल उभर कर आ चुका है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। साइड से पूरा अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं वीडियो में अस्तर कपड़े को मिलाते हुए कैसे स्टिच करें। ऐसे बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग पूरी ऑलराउंड कर दी है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करना है तो शोल्डर के साइड से डबल फोल्ड कर दीजिएगा और नीचे के साइड जहाँ से आए फोल्डिंग वहाँ से टक्स को स्टिच कर दीजिएगा। दूसरी साइड से माप लेंगे और शोल्डर के साइड से डबल फोल्ड करके ऐसे टक्स को स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग हो चुकी है। नीचे का बॉर्डर बनाना है तो मैंने देखिए एक फैब्रिक कट कर दिया। इसको ब्लाउज के साथ में बिल्कुल बराबर कर दूँ। नीचे के साइड से स्टिच करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं ब्लाउज के साथ में इसको कैसे स्टिच करूँ। ऐसे बराबर में ये स्टिचिंग कर लीजिएगा। स्टिचिंग हो चुकी है पट्टी की। अब इसके ऊपर से देखिए एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो ये फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में जॉइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बनाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने नीचे का बॉर्डर आपको पूरा ये बनाकर दिखा दी हूँ। इसी तरीके से आपको पूरा बनाना है। गले पीस के डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए ब्लाउज को साइड रखते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने देखिए एक पट्टी कट कर दी है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने देखी ये 2 इंच रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर बीच में इसको बराबर में फोल्ड कर देंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आपको वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। इसी तरीके से फोल्डिंग करते हुए पूरे डिज़ाइन को बना लीजिएगा। तो ये पट्टी की एक साइड से पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को देखिए कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए इसको कट करना है, उससे पहले मैं इसको साइड रखेंगे। तो पहले ऐसी पट्टी को साइड रख देते हैं और देख लीजिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 3 इंच रखा है। अब 4 पार्ट क्रॉसिंग में इसको फोल्ड करेंगे और साइड से इसके दोनों कॉर्नर को फोल्ड करके नीचे के साइड से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से कुछ डिज़ाइन में आपको इसका बना के दिखा देती हूँ और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से कुछ डिज़ाइन मैंने बना के आपको दिखाया वैसे मैंने पूरा डिज़ाइन ये बना लिए, कटिंग करके अलग अलग पार्ट्स में कर लिए। इसको साइड रखेंगे और ये न्यूज़पेपर ले लिए जिसको डबल फोल्ड करके रखें। इसके ऊपर ब्लाउज़ को भी डबल फोल्ड करके रख देंगे और जिस तरीके से गला है उसी तरीके से न्यूज़पेपर पे पूरा मार्किंग कर लेते हैं। देख लीजिए वीडियो में ये मार्क मैंने कर दिया। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे जो स्टिचिंग के में जाएगा। तो ये स्टिचिंग का मार्क ही ऊपर के साइड डिज़ाइन का मार्क कर दिए। सेम कटिंग करेंगे जैसे अस्तर पे मार्क न्यूज़पेपर पे मार्क किया। न्यूज़पेपर की कटिंग हो चुकी, इसको बराबर में फैला दिए हैं।
अब इसके ऊपर डिज़ाइन करना है तो ये पट्टी लेंगे और इसके ऊपर से बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच करेंगे। देख रहे हैं मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग रखते जाइएगा ऊपर के साइड से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही गैपिंग रखना है और जितना एरिया है पूरे एरिया पे ऐसे ही स्टिच करना है पट्टी को। तो ये देख लीजिए मैंने आपको ये पूरा अच्छे से स्टिच करके दिखा दिया है। अब इसके दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिचिंग कीजिएगा, वीडियो में क्लियर देख रहे हैं, ऐसे पूरा स्टिचिंग कर लीजिएगा। ये दूसरे साइड से पूरा स्टिच हो चुका है, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जितने भी है इसमें पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है, अब ऊपर के साइड से इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो बनाए हुए थे डिज़ाइन उसको इसके ऊपर के साइड से बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देख रहे हैं आप वीडियो में कैसे बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से बराबर रखते हुए पूरा स्टिचिंग डिज़ाइन की कर लीजिएगा। तो डिज़ाइन को मैंने अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया, इस पर ऊपर के साइड पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने एक पट्टी कट की स्ट्रेचबल है क्रॉस में कटिंग किया, तो इसको डबल फोल्ड करके साइड से सिलाई लगाते हुए पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो ये पट्टी की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है, इसको साइड करके देखिए डिज़ाइन ले लिया। अब डिज़ाइन के ऊपर के साइड से इसको बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये पाइपिंग की पट्टी पूरी स्टिच हो चुकी है, अब राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं ब्लाउज डिज़ाइन के साथ में। तो ये कम्प्लीटली देखिए पाइपिंग बन चुकी है डिज़ाइन पे। अब ब्लाउज़ लेंगे, अब ब्लाउज डिज़ाइन को दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए दोनों को साथ में स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो ये ब्लाउज़ और डिज़ाइन दोनों साथ में स्टिच हो चुकी है। अब ब्लाउज़ का डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेट करने के लिए लेस ले लिए, लेस को गले बिल्कुल बराबर में रखेंगे और पूरे गले पे लेस की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये देख लीजिए पूरे गले पे लेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। अब ब्लाउज़ को डेकोरेट करना है, जो ये डिज़ाइन बना है तो उसके लिए मैंने ये मोती लिया। मोती को डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर से जितनी भी मोतियाँ लगे, जितनी भी डिज़ाइन है सब पे एक एक मोती लगा देंगे। तो ऐसे ही पूरा मोती लगा लीजिएगा सभी डिज़ाइन पर, जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ। तो सेम ऐसे मैंने पूरा लगा लिया है। तो ये ब्लाउज़ देखिए डेकोरेट कर दिया, अब न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर देंगे अच्छे तरीके से। तो न्यूज़पेपर रिमूव हो चुका है, मेरा ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में भी इजी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।